हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 2022 की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले इसी प्रकार मिलती रहे। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 11 सितंबर 2022 को नोट सेट 2022 का एग्जाम हो चुका है, लेकिन सीट और या वैकेंसी अभी तक एम्स के द्वारा नहीं बताई गई थी, लेकिन आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन आपके सामने है। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल आपके लिए सबसे पहले हर अपडेट लेकर आता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए एक एक एम्स के बारे में जानेंगे, कितने एम्स में वैकेंसी निकाली गई है, किस एम्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्राइटेरिया वाइज यहां पर क्या रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि एम्स भोपाल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और एम्स भोपाल में जो टोटल वैकेंसी होने वाली है वो आपके सामने है। 100 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। भुवनेश्वर के द्वारा 209 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। बीबी नगर के द्वारा 100 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। बिलासपुर के द्वारा भी 200 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। ये बड़ी अपडेट आपको यूनिक नर्सिंग अचीवर यूट्यूब चैनल, जो हमारा पुराना यूट्यूब चैनल था जो कि बंद हो चुका है, लेकिन साथ ही हमने एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया ब्रांड ऑफ नर्सिंग के नाम से, और आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहली अपडेट आपको मिल रही है कि एम्स में कितनी वैकेंसी आई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी ना घबराइए साथियों, क्योंकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे और देते रहे हैं। एम्स देवघर के अंदर भी फ्रेंड्स वैकेंसी आई है, 250 वैकेंसी आई है। एम्स गोरखपुर में फ्रेंड्स 127 वैकेंसी आई है, बड़ी वैकेंसी आई है। हमने एक जब वीडियो बनाया था कि भी कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसी में बता दिया था कि 2800 से लेकर 3600 के बीच वैकेंसी आने वाली है। साथियों, एकदम से फिक्स फॉर फिक्स हमने आपको यह बात पहले ही बता दी थी और उतनी ही वैकेंसी आई है। 150 वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। गुवाहाटी जो है उसके अंदर 200 वैकेंसी आई है। एम्स कल्याणी के द्वारा भी 200 वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। एम्स मंगलागिरी के द्वारा साथियों 200 वैकेंसी निकाली गई है। एम्स नागपुर के द्वारा सबसे छोटी वैकेंसी यहाँ पर मैं कहूँगा, मात्र 159 जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा भी बहुत ही कम पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, 376 पदों पर मात्र वैकेंसी है, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा एम्स पटना के द्वारा 400 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि एम्स पटना ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था पहले नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए, वो एग्ज़ाम नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नंबर 13 एम्स है, रायबरेली के द्वारा भी 165 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एम्स रायपुर के द्वारा 200 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एम्स राजकोट के द्वारा यहाँ पर फ्रेंड्स 250 पदों पर बड़ी वैकेंसी, मैं कहूँगा नए एम्स के द्वारा इस प्रकार की वैकेंसी निकाला जाना काफ़ी ही अच्छा है। इसके अलावा फ्रेंड्स अपना कैटेगरी वाइज जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं, हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस कैटेगरी में कितनी यहाँ पर वैकेंसी आई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। एम्स ऋषिकेश की तरफ से 200 वैकेंसी निकाली गई, पिछली बार भी 200 थी, इस बार भी 200 वैकेंसी निकाली गई हैं। एम्स विजयपुर जम्मू के द्वारा सबसे बड़ी वैकेंसी 400 पदों पर निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी है फ्रेंड्स यहाँ पर 3736 निकाली गई हैं, जो कि पिछली बार थी, सेम वैसी ही यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए टोटल पोस्ट 1130 हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए टोटल पोस्ट 746 हैं। ये फीमेल के लिए हम बात कर रहे हैं, मेल के लिए भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स, एससी में 414 हैं, एसटी में 201 हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 366 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। जनरल में मेल के लिए 274 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 185 पोस्ट मात्र निकाली गई हैं, एससी के लिए 96 पोस्ट यहाँ पर हैं, एसटी के लिए केवल 50 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक और बड़ी अपडेट हम बता दें, वो बड़ी अपडेट ये है कि जो सेकंड राउंड 2021 का है उसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी होने वाला है और रिजल्ट आपका 26 तारीख को ही आने वाला, ये कंफर्म है। रिजल्ट आने से पहले ये जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।